पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। आज दिन बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड कार्यालय में सूबे के पेयजल मंत्री स गढ़वा रंग का विधानसभा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर के निर्देशानुसार जिला से आई हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी एवं रमकंडा प्रखंड कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप संगठन की मजबूती पर चर्चा करते हुए प्रखंड क्षेत्र में जन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हुए प्रखंड के सभी पंचायतों से आए हुए पंचायत अध्यक्ष एवं पंचायत सचिव को विशेष रूप से जिला कमेटी के द्वारा कहा गया कि आप लोग प्रत्येक टोला मोहल्ला में जाकर वहां की जन समस्याओं से अवगत होते हुए प्रखंड कमेटी को उसकी सूचना मुहैया कराएंगे। प्रत्येक पंचायत अध्यक्ष बारी बारी से अपनी पंचायत में जन समस्याओं को जिला कमेटी के पास रखा। अधिकतर सभी पंचायत का पेंशन, रोड, पेयजल, आवास इत्यादि समस्याएं जिला कमेटी के समक्ष रखा। बैठक सम्पन्न होने के बाद झारखण्ड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष तनवीर आलम प्रखंड कार्यालय पहुंच प्रखंड विकास पदाधिकारी रामजी वर्मा को निर्देश देते हुए कहा कि गरीब परिवार एवं पीड़ित परिवार को सरकारी लाभ देने में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सरकार के निर्देशानुसार ही काम करना होगा। जिला अध्यक्ष तनवीर आलम ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा एवं आप लोग अपने अपने क्षेत्र से समस्याओं के दस्तावेज तैयार कर प्रखंड कमेटी को सुपुर्द करें। इस दौरान केंद्रीय सदस्य अहमद अली, रंका प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता, रमकंडा प्रखंड अध्यक्ष दिनेश प्रसाद गुप्ता, संजय प्रसाद, राजकिशोर यादव, श्रवण कमलापुरी, अली राजा सहित सभी पंचायत के पंचायत उपस्थित थे।